Ladies and gentlemen, welcome and welcome back to my channel Vision Glam. So may I have your attention please. So आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. कॉल मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ नायका पिंक फ्राइडे सेल हॉल, जिसमें लगती है बम्पर सेल, जहाँ आपको मिलता है अप टू 60% ऑफ. सो मैंने बहुत सारी चीजें इसमें से बाय करी हैं और कुछ सारी चीजें मैंने नई भी ली हैं. सो लेट्स अनबॉक्स द बॉक्स. सो नाइफ रखी है मैंने यहाँ पे और चीजें ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा नहीं है एक्चुअली. सो वो यहाँ पर है मेरा पार्सल. ओह गॉड, सबसे पहले क्या निकला हुआ है. एक्चुअली स्टार्ट उसी से करते हैं, मतलब सारे पैकेज आए हैं, सबसे ऊपर जो मिला हुआ है हम ऐसा करते हैं उसी से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर है सबसे पहले मेरे पास ट्रांसलूसेंट पाउडर पैक का ऑल नेचुरल फिनिश, ये देता है आपको इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. सच कहूँ तो मैंने इस तरीके का प्रोडक्ट आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया हुआ है, मतलब इस तरीके का थोड़ा बहुत लग्जरी प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत पैक के प्रोडक्ट वैसे भी मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, थोड़े से कॉस्ट ली होते हैं वो. ये भी महंगा, मतलब छोटू साइज महंगा है. तो यहाँ पर है दिस इज अ पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर 02 और 195 रुपीज इसका कॉस्ट है. सिर्फ 2 ग्राम्स ऑफ क्वांटिटी आपको इसमें मिलती है और ऑन डिस्काउंट ये मुझे ठीक ठाक प्राइस पे आई थिंक मिल रहा था 160 या समथिंग रुपीज में, इसीलिए मैंने इसको ट्राई किया और ऑब्वियसली मैं इसे शेयर मतलब ट्राई करूंगी एंड उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगी मैं इसे. तो थोड़ा सा खोल लेते हैं हम इसे. दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 2 ग्राम ऑफ क्वांटिटी पैक इसमें लिखा हुआ है, इस तरीके की पैकेजिंग है. सच बताऊँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं. सो इसे ट्राई करेंगे उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे कि ये लग्जरी फीलिंग देता है या नहीं. सो नेक्स्ट है यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली कुछ बड़ा आ रहा है, मैं उसी को ले लेती हूँ हाथ में. सो यहाँ पर है कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट. सो दिस इज अगेन माई रीस्टॉक प्रोडक्ट, दिस इज अ हाइलोरोनिक लॉरियल हाइलोरोनिक एसिड हेयर कंडीशनर. 24 आवर आपको ये मॉइस्चर देता है, आपके बालों पर मॉइस्चर लॉक कर देता है बिल्कुल, और कम से कम शायद 6 महीने से कुछ ऊपर हो गया है. ये मेरी थर्ड या फोर्थ, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ बॉटल है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ और 259 रुपीज इसकी कॉस्ट है और आई थिंक 180 रुपीज में मुझे ही मिला हुआ था. सारे ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कॉस्ट बताने का तो अभी फिलहाल फ़ायदा नहीं है. वीडियो कल ही पोस्ट कर दूंगी मैं किसी भी हालत में, बिकॉज सेल अभी चल रही है आपकी 10 से स्टार्ट हुई थी और आई थिंक 18 तक सेल चलने वाली है, तो कॉस्ट बताने का फ़ायदा नहीं है. लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको और भी जो परचेस करना है नायका ऐप से आप ट्राई कर सकते हो और वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. और यहाँ पे क्वांटिटी मैंने इसकी 2 ऑर्डर करी है, मतलब मैंने इसको 2 स्टॉक किया हुआ है. अब आप लगा लो कि मुझे कितना पसंद है, क्योंकि ना जो मेरा हेयर लेंथ है वो ना थोड़ा सा फ्रिजी है, मतलब लठें बहुत पड़ती है और इस तरीके की, और मैं सीरम भी अप्लाई करती हूँ तो सीरम और इसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प होती है. तो अगर हेयर लेंथ आपका लॉन्ग है या फिर आपका हेयर लेंथ फ्रिजी रहता है तो यू कैन ट्राई दिस. नेक्स्ट है यहाँ पे अगेन माय रीस्टॉक, दिस इज़ अ स्कैल्प प्रो एंटी डेंड्रफ शैम्पू. ये डर्माटोलॉजिकल एक्चुअली फार्मेसी शैम्पू है ये, तो 360 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है. आई थिंक 280 या समथिंग रुपीज़ में मुझे ये मिला हुआ था. सो अगेन दिस इज इट. सो नेक्स्ट है अगेन यहाँ पर मेरे पास हेयर केयर, दिस इज माई अगेन सेकेंड टाइम परचेज. ये ना मैंने तब परचेज किया था जब ये लॉन्च हुआ था, उस टाइम पर मैंने इसकी छोटी बॉटल ही परचेज करी थी क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है हेयर सीरम, और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा हेयर लेंथ फ्रिजी है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है, आपके हेयर को प्रोटेक्ट करता है, प्लस आप अगर हीटिंग टूल्स यूज़ करते हैं तो भी ये बहुत काम आता है. इस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाने वाली हूँ तो उस पर बात करेंगे. सो अगेन दिस इज, और ये मुझे बहुत 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 अच्छे डिस्काउंट पर मिल गया था, इस वजह से भी मैंने इसको बाय किया हुआ है. 100 ml ऑफ इसकी क्वांटिटी है, 348 रुपीज़ इसका कॉस्ट है, बट ये मुझे पूरा शायद 40% आई थिंक डिस्काउंट पर मिला था, 300 समथिंग रुपीज़ में मुझे ये मिल गया था, तो मैंने इनका बाजी मार लो. इसी वजह से मुझे नायका का जो पिंक फ्राइडे सेल है वो मुझे बहुत पसंद है. दिस इज अ
नायका प्रेप मी अप फेस प्राइमर 7 ग्राम ऑफ क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाती है। और इसका मैंने बहुत अच्छा सा रिव्यू देखा हुआ था कि ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा है, तो मैंने इसे छोटू सा मंगाया हुआ है। इसकी कॉस्ट है 225 रुपीज़ पर, बट मुझे मिला हुआ है 146 रुपीज़ में मुझे ये मिला हुआ है, इसलिए भी मैंने इसे ट्राई किया। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो इसमें बड़ा पैकेज भी मिल जाता है। सो नेक्स्ट है यहाँ पर अगेन, दिस इज अगेन अ न्यू प्रोडक्ट फॉर मी, दिस इज अ पॉन्ड्स नेचुरल ग्लो फेस पाउडर। मेरा जो रिसेंटली फेस पाउडर यूज़ करती हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। इस टाइम में मैंने सोचा कि यार इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा मुझे न्यू प्रोडक्ट ट्राई करना अच्छा लगता है और आपके साथ भी शेयर करना होता है। इसमें 2 शेड्स आपको मिल जाते हैं, पिंक ग्लो एंड नेचुरल बीबी ग्लो। कॉस्ट की बात करें तो 125 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है और 106 रुपये में मुझे ये मिला है। अंदर से नॉर्मल पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग खोलने की अभी मैं स्थिति में नहीं हूँ तो शेयर करूँगी आपके साथ। तो दिस इज इट। नेक्स्ट है माय एक्चुअली बॉटल, तो हाँ सेकेंड या थर्ड बॉटल है मेरी लाइफ में। ये मेरा फर्स्ट एवर फाउंडेशन है वैसे भी। दिस इज अ फिट मी फाउंडेशन जिसमें आपको आजकल 22 SPF के साथ मिल जाता है इन द शेड 125 वॉर्म न्यूड। और ये मेरा बहुत अच्छा, मतलब जब से मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया तब से मैं इसे यूज़ करती हूँ, बट तब ना ये ऐसी पम्प पैकेजिंग में नहीं आता था। लोगों ने भी बहुत शिकायत करी थी कि यार एक पम्प पैकेजिंग तो बनती ही है मेबलिन से। नेक्स्ट है अगेन न्यू प्रोडक्ट, सो दिस इज़ अ विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम। ये इसके बारे में मैंने बहुत सुन रही हूँ, पिछले 6 मंथ से ऊपर ही हो गया सुनते। और हेयर फॉल मुझे लगा ही रहता है, मतलब हेयर फॉल होना बड़ी दिक्कत नहीं है। जहाँ आपका हेयर फॉल, जिस रूट से हेयर फॉल हो रहा है वहाँ पे दोबारा हेयर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो आ ही जाता है मेरे हेयर पे, ऐसा नहीं है, बेबी हेयर्स मेरे निकलते रहते हैं क्योंकि मैं अपना थोड़ा बहुत ध्यान रखती ही रहती हूँ बालों का। बट अभी भी आजकल मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पर से स्पेस खाली लग रहा है। सबसे पहले जो हेयर प्रॉब्लम होता है ना स्टार्ट, वो यहाँ से होता है। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था यार, मैंने कहा यार सर पे बाल रहेंगे तभी तो सब कुछ रहेगा, तो मुझे लगा मैं इसे ट्राई करती हूँ। और मैं इसे ट्राई किया, 999 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, बट 600 something रुपीज़ में मुझे ये मिला हुआ है। तो इसे ट्राई करते हैं, 30 ml ऑफ इसकी क्वांटिटी है, और उसके बाद बात करते हैं कि ये कैसा है क्या है। इसका रिव्यू तो अभी दे ही नहीं पाऊँगी, कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद मैं इसका रिव्यू दूँगी जब मैं इसे यूज़ करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसके बाद ही फ़ायदा रहेगा कि क्या रिजल्ट आया, क्योंकि रातों रात तो बाल उगने से रहे। नेक्स्ट है यहाँ पर मेरे पास माय ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड, स्किन केयर ब्रांड बेसिकली। सो दिस इज डॉट इन की सिका कमिंग स्किन रेडियंस नाइट क्रीम, जिसमें आपको मिल जाता है ग्रीन टी एंड नाइसिनामाइड। ये मेरा अगेन सेकेंड टब है, मैंने रिसेंटली आपके साथ अपना डॉट इन की नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी शेयर किया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने इसके पूरे ही प्रोडक्ट वहाँ पे दिए हुए हैं जो भी मैं यूज़ करती हूँ, क्रीम, सीरम, मॉइस्चराइजर, एवरीथिंग। सो दिस इज ऑल्सो सो गुड। नेक्स्ट है यहाँ पर, दिस इज फर्स्ट टाइम दिस इज अ डॉट इन की स्किन केयर विटामिन सी एंड ई सुपर ब्राइटनिंग सनस्क्रीम। वाटर लाइट फॉर्मूला इसका होता है, 50 SPF आपको मिल जाता है, PA+ के साथ अवेलेबल होता है आपको ये फॉर ऑल स्किन टाइप, एंड 80 ग्राम ऑफ आपको इसमें क्वांटिटी मिल जाती है। ये बड़ा वाला पैकेट है और छोटा वाला भी इसमें आपको मिल जाता है, आप चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो, वो ट्राई कर सकते हो। मुझे इसमें ज़्यादा मतलब प्रॉफिट लग रहा था, और सनस्क्रीन है यार वो तो चाहिए ही होता है, तो इस टाइम इसलिए मैंने इसे लिया। 595 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, ऑन डिस्काउंट आपको ये ठीक ठाक उसमें मिल जाती है, आई थिंक 400 something रुपीज़ में मुझे ये मिला हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे एक फ्री प्रोडक्ट मिला हुआ है, प्रोडक्ट्स और बाकी तो सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली मैंने डॉट इन की के जो 2 प्रोडक्ट्स बाय किए उसमें कुछ ऑफर था, तो उसमें मुझे ये मिल रहा था। और पैकेजिंग भी थोड़ी थोड़ी खुली खुली सी है इसकी, मतलब पता नहीं। दिस इज़ द डॉट इन की रेटिनॉल सेरामाइड नाइट रिपेयर क्रीम, और 25 ml ऑफ इसकी क्वांटिटी है। सच बताऊँ तो इस टाइम पे मैं इसी को नाइट क्रीम की तरह लेने वाली थी, बट मुझे इसमें, मैंने जब इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो इसमें ग्लिसरीन वगैरह था, और तो और
हाइलोरोनिक भी था, हाइलोरोनिक था कोई दिक्कत नहीं थी, बट ग्लिसरिन था तो वो मुझे ब्रेकआउट कर सकता था, बट ये मुझे प्रोडक्ट फ्री ही मिल गया। तो लेट्स ट्राई, बेसिकली मैं इसे थोड़ा बहुत, मुझे यूज्ड भी लग रहा है, आई डोंट नो, यूज़ तो नहीं है बट इसकी पैकेजिंग ना खुल जाती है जो भी है। सो ये मुझे फ्री मिला हुआ है प्रोडक्ट, 25 ml इसकी क्वांटिटी है आई थिंक, हाँ 25 ml इसकी क्वांटिटी है, और रेटिनॉल है। तो अभी तक मैंने रेटिनॉल प्रोडक्ट स्टार्ट करना शुरू नहीं किया हुआ है, तो मैं इसे देखूंगी, एक दो बार यूज़ करूंगी, अगर लगेगा ब्रेकआउट्स आ रहे हैं तो फिर बंद कर दूंगी। वैसे तो जेल बेस्ड ही ये प्रोडक्ट है, देखते हैं कैसा वर्क करता है। सो रेटिनॉल आपकी एजिंग को कम करता है, अगर आपकी एज 30 अब स्टार्ट हो गई है, वैसे तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट आपको 25 के बाद ही स्टार्ट कर देना चाहिए, रेटिनॉल आपको 30 से स्टार्ट कर देना चाहिए। और रेटिनॉल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो पहले आपको एक नॉर्मल रेटिनॉल कोई क्रीम या इस तरीके से बेस आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए अपने स्किन से, उसके बाद ही आप कोई प्रॉपर एक रेटिनॉल स्टार्ट कीजिए, वरना ये आपको इरिटेट कर सकता है। सो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं किसी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और चेकआउट ज़रूर करना नायका, और अपनी जो भी प्रोडक्ट आपके फिनिश हो गए हैं इस टाइम पे अच्छी MRP के साथ उसे ग्रैब कर लो। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर से अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।